अस्सलाम वालेकुम गाइस, आमना दिल्ली से है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को, कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, हम किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली वी शुड नो दैट पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट मीन समथिंग हैज गॉन, कोई ऐसा काम जो कि पास्ट में था, और परफेक्ट मीन कम्प्लीशन ऑफ, कोई ऐसा काम जो कि माजी में मुकम्मल हो चुका है, कम्प्लीट हो चुका है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी क्या कंडीशंस है, हम उसको करते हैं। फर्स्टली वी शुड नो दैट आइडेंटिफिकेशन, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसके सेंटेंस में होता है चुका था। अब देखिए चुका उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि परफेक्ट की बात हो रही है, और था पास्ट को कर रहा है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, ठीक है। और एंड पे अलिफ और ये वाली साउंड भी आती है, जैसे लिया था, लिए थे, इस तरह की इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है इन उर्दू। उर्दू में अगर हम बात करते हैं, चुका था, चुके थे, और इस तरह की साउंड आएगी, लिया था, लिए थे या दिए थे वगैरह। ये तो होगी इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन। अब अगर हम इंग्लिश में इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो इंग्लिश में इसका सिंपल एक हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, और वो हम तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमने सिंपल एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना, और वो हेल्पिंग वर्ब है हैड। क्लियर, हैड को हमने एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना इन ऑल में विद ऑल सब्जेक्ट्स। अब हैड एक और सिंपल रूल है, जहां पे भी हैड आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ यूज करेंगे, ठीक है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ यूज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ यूज होती है, और क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी आएगा एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ भी आएगा। इसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं है कि ये सिंगुलर के साथ नहीं आएगा, प्लूरल के साथ नहीं आएगा, ये ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हम एक ही हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। अब एक और इसमें चीज है ऐड करना चाहूंगी, इसमें टू टाइप्स के, इसमें एक सेंटेंस होता है उसमें टू कंडीशंस होती हैं। एक तो हो गया कम्प्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है, ऐसा काम जो कि माजी में कम्प्लीट हो गया, लेकिन उसकी एक सेकेंड कंडीशन ये होती है कि ऐसा काम जो माजी में ही हुआ होता है, ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ होता है। एक माजी में एक सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंसेस होती हैं, दो पार्ट होते हैं, दो सेक्शन होते हैं, और दोनों ही पास्ट पे बेस करते हैं। इससे पहले अगर आपको रिमेम्बर हो, लास्ट वीडियो में फ्यूचर में हमने बात की थी कि फ्यूचर में भी टू टाइप्स के होते हैं, एक सेंटेंस में टू कैटेगरीज होती हैं, लेकिन एक को हम करते हैं परफेक्ट के लिहाज से, लेकिन दूसरे को हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट से ट्रांसलेट किया था। सेम है यहाँ पे भी, क्या है, एक सेंटेंस के टू सेक्शन होंगे, जो फर्स्ट सेक्शन होगा पार्ट वन, ठीक है, जो पार्ट वन होगा उसको हमने करना है पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। अब कंप्लीशन ऑफ वर्क, क्लियर, पार्ट टू, अब अगर पार्ट टू की बात आ जाएगी तो पार्ट टू को हमने करना है पास्ट इनडेफिनिट टेंस, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूंगी, इसके टू सेक्शन, एक सेंटेंस में टू सेक्शंस हमें मिलेंगे, ठीक है। अब टू सेक्शंस में आपने नोट करने सेंटेंस की, जिस सेक्शन में कंप्लीशन ऑफ वर्क होगा, कोई ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका होगा, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस से। जिसमें कंप्लीशन ऑफ वर्क होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस से होगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने कहा हैड का यूज करना है विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट होगा, एक टू ही पार्ट्स होंगे, पहले हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट होगा उसको हमने करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। यू नो दैट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी यूज नहीं करते सिंपल बनाने के लिए। आए अब हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम जिस तरह सबका होता है,
सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हैड आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ऑब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट, क्योंकि एक तो कंप्लीशन ऑफ वर्क में सब्जेक्ट होगा और एक पास्ट इंडेफिनेट का सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, देन वर्ब टू आ जाएगी, ठीक है। अब देखें, एक हमने कर दिया ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एक हो गया हमारा पार्ट वन, इसको हम कर रहे हैं हेड लगा के पास्ट परफेक्ट में। अब ये जो हमारा सेकंड है सब्जेक्ट और वर्ब, इसको हम करेंगे, ये पार्ट टू हो, इसको हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। स्लीम ने पहले ही खत डाक में डाल दिया था। अगर तो टू सेक्शन होंगे तब हम इस कैटेगरी को करेंगे, अगर सिंपल एक वर्ब होगा तो फिर आप उसको पास्ट परफेक्ट सिंपली ही हम उसको करेंगे। स्लीम ने पहले ही खत डाल दिया था। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, स्लीम, काम उसने क्या किया है, खत डाला है, किसमें डाला है, डाक में उसने डाला है, ठीक है। स्लीम हैड ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर, क्लियर। अब इसमें ये कि टू सेक्शन वाले भी हो सकते हैं, सिंपल एक पार्ट वाला भी इसमें सेंटेंस हो सकता है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब मरीज का मरना पार्ट वन, क्योंकि काम कंप्लीट हो गया, डॉक्टर के आने से पहले ये सेकंड पार्ट है, पार्ट टू। अब हम पार्ट वर्ड को ट्रांसलेट, पार्ट वन को ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट में। मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब पार्ट टू को हमने पास्ट इंडेफिनेट में करना था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द डॉक्टर, सेकंड फॉर्म कम केम, ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मेरे घर जाने से पहले बारिश थम चुकी थी। बारिश का थमना क्या है, पार्ट वन, काम कंप्लीट हो गया, मेरे घर जाने से पहले ये क्या है, पार्ट टू, बारिश थम चुकी थी, द रेन हैड स्टॉप्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, द रेन हैड स्टॉप्ड। अब बिफोर सेकंड पार्ट को अगर हम करेंगे, मेरे घर जाने से पहले, बिफोर आए, जाना, वेंट, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बिफोर आए वेंट टू होम, ठीक है, द रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर आई वेंट टू होम। अब हम इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर में हमने क्या करना है, हैड के बाद हमने नॉट का ऐड करना है, हैड नॉट यूज करेंगे विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या गया, बाकी उसके पार्ट वन और पार्ट टू की सेम वही पोजिशन रहेगी, सेम वही सिक्वेंस ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। हमने क्या ऐड करना है, हैड नॉट अब यूज करना है, हमने हैड अकेला नहीं यूज करना। नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम बनाते हैं, स्लीम ने पहले ही खत डाक में नहीं डाल दिया था, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, स्लीम हैड नॉट ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर, क्लियर। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था। अब ये जो काम कंप्लीशन ऑफ वर्क होगा जिसमें उसी सेंस में नो यूज होगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था, द पेशेंट हैड के बाद नॉट आ जाएगा, द पेशेंट हैड नॉट
डाइड बिफोर द डॉक्टर के, ठीक है, मेरे घर जाने से पहले बारिश नहीं थम चुकी थी, द रेन हैड नॉट स्टॉप्ड बिफोर आई वेंट टू होम, ठीक है। ये था इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर, वन सेंटेंस, सेकंड एंड। अब हम इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब हमने जब सिंपल और नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात की थी तो हमने सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया था, बट यहाँ पे इंट्रोगेटिव में एज यूजुअल हम क्या करेंगे, सेंटेंस का स्टार्ट ही हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब से लेंगे। हैड से सेंटेंस का स्टार्ट होगा, ठीक है, हैड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या सलीम ने पहले ही खत डाक में डाल दिया था, हैड सलीम ऑलरेडी पोस्टेड अ लेटर, एट द एंड आएगा क्वेश्चन मार्क। Had Slim already posted a letter? Had Slim already posted a letter? डॉक्टर के क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था? Had the patient died? Had the patient died before the doctor came? सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा बट एट द एंड यू विल ऐड क्वेश्चन मार्क, और सेंटेंस का स्टार्ट आपने हेल्पिंग वर्ब से लेना है। क्या मेरे घर जाने से पहले बारिश थम चुकी थी? Had the rain stopped before I went to home, or at the end question mark। आई होप ये अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें ताकि इस टेंस से आप लोगों की फिंगर टिप्स भी हो जाए। लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।